सो गाइस आज फाइनली स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति सामान्य परिचय 2021-22 का अपडेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपकी व्यापम और पीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि पीएससी और व्यापम में हर बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। टोटल आपका 50 MCQ देखेंगे आज के वीडियो में। लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो छात्र और अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो जनजाति से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आने वाले ही हैं, यानी कि 90% गारंटी देता हूँ। अगर वीडियो में यह क्वेश्चन नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर देना दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जितने भी व्यापम और पीएससी में हर एक एग्जाम में पूछा गया है जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप सभी को फाइनली बता दूँ कि आज से छत्तीसगढ़ की जनजाति की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 1 नवंबर से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। यह पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल, यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, वहाँ पर जाइए वो वीडियो देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही क्लासेस मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। क्लासेस चलती रहती है, 1 नवंबर से प्रारंभ है, रात 8 बजे। जिन लोगों को छात्रावास अधीक्षक SI भर्ती या व्यापम PSC की तैयारी करना चाहते ही हैं तो आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नीचे दिए कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा अपना नाम, ठीक है, अपना नाम बताइएगा। वहाँ पर जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं अपना नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। साथ ही हम छात्रावास अधीक्षक की यानी कि हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं। आज से स्टार्ट हो चुका है तुम लोगों की बैच। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हुआ है, पार्ट 3 वीडियो आज की क्लास में छत्तीसगढ़ के जनजाति। टोटल 50 MCQ देखेंगे जो कि आपके व्यापम और PSC में अक्सर बार बार हर दिन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो में ऐसे क्वेश्चन नहीं लेकर आया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना। चलिए ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट के पास जनजाति से क्वेश्चन मिल सके और यहीं से आपके रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे 90% गारंटी देता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थापित किया गया है। उसके बाद जनजातियों का जो नाम है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है एवं 161 उपसमूह में विभाजित है। मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये थोड़ा बेसिक याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार देख लीजिएगा। साथ ही कभी भी आप एग्जाम दिलाने जाएं तो एक बार इस वीडियो को एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार लास्ट तक देख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, कभी भी आप एग्जाम दिलाने जाएं तो एक बार वीडियो को देख लेना, या फिर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच जाए और वो वीडियो अच्छे तरीके से याद कर लें। यहीं से क्वेश्चन आपके मिलने वाली है हर एक एग्जाम में आने वाले में। तो चलिए इसका पूरा क्लासेस मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा, छत्तीसगढ़ की क्लासेस, ठीक है। 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, 161 उपसमूह पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की जो संबंधित भारतीय संविधान है अनुच्छेद 342 के तहत लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार, ठीक है, ये आपको जो कि जनजाति की भूमि कहा जाता है, बस्तर को जनजाति की भूमि कहा जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं आपका 7 है, विशेष जो पिछड़ी जनजाति है आपकी 7 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला की बात करें तो सरगुजा है, और छत्तीसगढ़ में बस्तर के अनुसूचित जनजाति अबुझमाड़िया हैं और भथरी यानी कि बोली बस्तर की बोली है। चलिए ये क्लासेस अति महत्वपूर्ण है, CG व्यापम और PSC में हर एग्जाम में जनजाति संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपके लिए वन लाइनर के रूप में लाया हूँ। तो पहला है छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट किस जमींदार के थे, ये CGPSC 2016 में आया था, वीर नारायण सिंह, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट किस क्षेत्र के जमींदार थे तो बिंझवार, ठीक है, बिंझवार क्षेत्र थे, वीर नारायण सिंह, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति अबुझमाड़िया है, 2017 में पूछा गया PSC का। प्रजा जनजाति का अन्य नाम क्या है, धुरवा, जो प्रजा जनजाति है उसका अन्य नाम धुरवा है, ठीक है। जनजातियों में से कौन सा कांकेर और बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती, तो आपका पारदी है जो कि
कांकेर और बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती। उसके बाद छत्तीसगढ़ के किस जिले में आओ जनजाति की निवास नहीं करती है, अभी का कबीरधाम है, CGPSC 2010 में पूछा है। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जनजाति से क्वेश्चन है, जो कि PSC व्यापम SSC रेलवे जितने भी प्रश्न होते हैं वहाँ से एग्जाम में आते हैं। लेकिन खास तौर पर आप सभी के लिए लाया हूँ, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीर नारायण सिंह किस जनजाति के समूह थे, तो वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति के समूह थे, सोना खान, ठीक है, सोना खान। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है नारायणपुर, PSC 2019 में। छत्तीसगढ़ राज्य के बिंझवार जनजाति के चिन्ह तीर CGPSC 2016 में, चिन्ह तीर क्या है, तीर चिन्ह है, कौन सा है, तीर चिन्ह, ठीक है। अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं व्यापम PSC की, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिंझवार जनजाति तीर से प्रसिद्ध है। उसी प्रकार किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया था, तो वह आपका वेरियंट एल्विन हो जाएगा, व्यापम PSC 2017 में पूछा है। उसके बाद पाइक जनजाति है, यानी कि उसको पाइका बोलते हैं, लेकिन यह पाइक किस जनजाति से संबंधित है, ये आपका कंवर, ठीक है, कंवर जनजाति से संबंधित है, PSC 2019 में पूछा गया है। उसके बाद है CGPSC के 2019 में पूछा गया है, बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, तो बिहार जो जनजाति है मुख्यतः सरगुजा जिले में निवास करती है। बस्तर किस जनजाति के समूह का मूल निवास उड़ीसा राज्य है, तो आपका गदबा है, व्यापम के और PSC 2009 और 2016 में पूछा है। इसके बाद ककसार जो नृत्य होता है वो अभुजमाड़िया से संबंधित व्यापम 2013 में आया हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ एक विशेष पिछड़ी प्रकार की जनजातियाँ हैं अभुजमाड़ की, PSC 2019 में आया है। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सा है, कमार है, CGPSC 2017 में आया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन रट लीजिए, 90% गारंटी देता हूँ एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा वीडियो को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, नहीं आएगा तो। रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लाया हूँ, ठीक है। जितने भी प्रश्न पूछे हैं PSC व्यापम, ये दोनों ही इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको रट लीजिए, बार बार बता रहा हूँ मैं, रट लीजिए या फिर वीडियो को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। कभी भी एग्जाम में जाओगे तो वीडियो को एक बार याद कर लो, रट लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहीं से प्रश्न आएंगे। एक जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, नया चैनल है ये आप सभी के लिए, Part 1 का जिसको ये Part 3 वीडियो है, तीसरा वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चन मैं Part 1 Part 2 डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया हूँ, वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइएगा जल्दी से देख लीजिएगा। 1 नवंबर से प्रारंभ है, 10 दिनों को कैश कोर है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अपना नाम आप जरूर बताइए कमेंट में जल्दी से, जो लोग वीडियो को जुड़ चुके हैं। अगर यहाँ से आपके प्रश्न नहीं आते तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोड़ दूँगा वीडियो बनाना, ठीक है, मैं वीडियो छोड़ दूँगा वीडियो बनाना। अगर यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन नहीं आता रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। अगर ये क्वेश्चन में आपका 90% गारंटी दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न रिलेटेड व्यापम और PSC में पूछा ही जाएगा। जितने बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही यह बोलिए कि सर हम तैयारी करेंगे, हम जुड़ चुके हैं इस वीडियो पर, इतना वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। चलिए, प्रधान जनजाति मुख्य किस जिले में निवास करती, कबीरधाम, CGPSC 2019 में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ का आदिम जनजाति ग्रुप PTG कौन है, ये आप कमेंट में बताइएगा, CGPSC 2019 में पूछा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद है नाहर एक उप जनजाति है, नाहर एक उप जनजाति है बैगा की, 2015 में आया है PSC में। धनका किस जनजाति की उप जनजाति है, तो धनका उराव है, व्यापम 2009 में पूछा है, ठीक है। इसके बाद अभुजमाड़िया जो जनजाति है, ठीक है, अभुजमाड़िया इस छत्तीसगढ़ राज्य के उप जनजाति है CGPSC 2019 में। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, या फिर टेलीग्राम में नया बनाने वाला हूँ उसमें भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम नया बनने वाला है इस ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप नया मैं बना चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मैं दे दिया हूँ। गुरावट को क्या कहते हैं, विनिमय विवाह कहा जाता है उसको, विनिमय विवाह को एक और बोलते हैं अर उतो विवाह, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, अर उतो विवाह भी बोला जाता है, अर
उतो विवाह कहा जाता है। नोट कीजिएगा, अर उतो विवाह 90% गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लासेस करने के लिए। मैं टाइम टू टाइम क्लासेस करा रहा हूँ, रात 8 बजे गणित की क्लास, शाम 5 बजे करेंट अफेयर या कंप्यूटर, सुबह 9 बजे, ठीक है। 1 नवंबर से प्रारंभ हुआ है, ज़्यादा समय आपको नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल मैं तैयारी करवाऊंगा व्यापम पीएससी का। घोटुल किस जनजाति से संबंधित है? तो मुरिया जनजाति सीजी पीएससी 2018 लाइब्रेरियन में आया हुआ है। इसके बाद है, मैं वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ, टोटल 50 एमसीक्यू करवाऊंगा, 50 क्वेश्चन अगर रट लिए, समझो आप जनजाति से क्वेश्चन पार कर लिए 2 से 3 नंबर सिलेक्शन। आप कहेंगे सर मैं सिलेक्शन लेकर आया हूँ। सेवा विवाह लमसेना का प्रचलन जो जनजाति गौर जनजाति में होता है, ठीक है। सल्फी नामक पदार्थ किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो ये आपका मारिया जनजाति आएगा, क्या आएगा? मारिया जनजाति। उसके बाद छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को समानता किस नाम से जाना जाता है? पुनर्विवाह को विधवा पुनर्विवाह के नाम से जाना जाता है, चूरी पहना विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पुनर्विवाह एग्जाम में आता ही आता है, रट ले इसको, रट ले। छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा किस जनजाति से संबंधित? गोड़, जो गुड़ दूध लौटावा, जैसे कि अब गोड़ में किस किस मतलब कौन कौन से विवाह होता है तो मैं आपको बता दूँ। इसमें भाई बहन का विवाह किया जाता है, ममेरा फुफेरा का विवाह किया जाता है, बुआ का बेटी का विवाह किया जाता है, इसमें भाई बहन का विवाह भी कर दिया जाता है गोड़ वाला में, ठीक है। दूध लौटावा विवाह कहा जाता है, ठीक है। चलिए, गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? तो गोदना गोदवाने वाली जनजाति गोड़ है, CGPSC 2020 में आया हुआ है। लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति अघरिया है, 18 में पूछा है। छिंदी पत्ते से चटाई और टोकरी कौन बनाते हैं? शिकारी लोग बनाते हैं, व्यापम 2017 में आया है। लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं, कमार CGPSC 2019 में है। सड़वा जुड़ुम की हिंदी का अर्थ क्या होता है? शांति की ओर लौटो। अमृता की स्तन की परंपरा किन जैसे? तो दंडामी और मारिया, CGPSC 2019 में पूछा है। ये जो मैं 33 क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम और पीएससी में है, रट्टा मारें, ठीक है, या फिर रट लें, या फिर इसका मैं PDF आपको हमारे YouTube चैनल के WhatsApp ग्रुप में या फिर Telegram में दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके बाद सडवा जुडुम का हिंदी का अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। उसके बाद अमृता की स्तन की परंपरा किस जनजाति है? डंडामी और माड़िया, CGPSC 19 में आया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जनजाति लोगों में जो प्रचलित है ढूंकू प्रथा विवाह, तो इसको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। राज्य की जनजाति लोगों में प्रचलित है, जून विवाह को हट विवाह कहा जाता है, ठीक है। ये जू विवाह है हनीवाट कहा जाता है, जिसे लड़की भगाकर या भागकर अपने प्रेमी के घर जाती है और वहाँ रहने लगती है। इस जनजाति को ढूंकू विवाह या पैठू विवाह कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और डेली ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सब अपना नाम, यानी कि अपना नाम एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर लीजिएगा डेली क्लासेस के लिए, ठीक है। उन्हीं लोगों को अब से मैं नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ, ठीक है, बाकी को नहीं भेजूँगा अब से। जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे उसी को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए कि सर हम क्लासेस करने वाले हैं डेली रात 8 बजे, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की भी डेली क्लासेस कराया जा रहा है, कुछ दिनों बाद भारत का सामान्य ज्ञान भी कराने वाला हूँ, ठीक है। कुछ दिनों बाद भारत का सामान्य ज्ञान कराने वाला हूँ। आप सभी को मैं छात्रों से शिक्षक के सिलेबस का संपूर्ण जानकारी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का मैं क्लास करा दिया हूँ। साथ ही राहुल कह रहा है कि छात्रों से शिक्षक की जो सिलेबस है वो आपने नहीं दिखा, मतलब नहीं कराए बोल रहे हैं, तो आपको गलत फहमी है राहुल, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, ठीक है, वहाँ जाइए, छात्र और शिक्षक का सिलेबस आपको मिल जाएगा। यही चैनल पर, यही यूट्यूब चैनल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया हूँ, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर एक बार वीडियो को देख ले, छात्र और शिक्षक का सिलेबस, ठीक है। आज के लिए इतना ही,
कौन कौन जुड़ चुके हैं एक बार अपना नाम बता दीजिएगा, ठीक है? कौन कौन जुड़ चुके हैं अपना नाम बता दीजिएगा। और जो लोग व्यापम पीसी की तैयारी करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन या एसआई भर्ती या फिर आने वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम तैयार हैं सर।